हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के चौहटन रोड स्थित अंबेडकर छात्रावास में बने क्वारंटाइन सेंटर से बीती रात बाल सुधार संप्रेषण गृह के चार बाल औपचारिक खिड़की में लगे लोहे के सरियों को तोड़कर फरार हो गए। इन चारों को 5-6 दिन पहले ही चोरी, मारपीट और लूट के मामलों में चौहटन और कोतवाली पुलिस ने निरुद्ध किया था। एक बाल औपचारिक को संरक्षण में लिया है और शेष 3 फरार हुए बाल औपचारियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। बाड़मेर शहर के चौहटन रोड स्थित अंबेडकर छात्रावास में बने क्वारंटाइन सेंटर से बाल सुधार संप्रेषण गृह के चार बाल औपचारिक खिड़की में लगे लोहे के सरियों को तोड़कर पीछे के रास्ते से शुक्रवार रात को फरार हो गए। सुबह छात्रावास गार्ड रिपोर्ट लेकर सदर थाना पहुंचा। उसके बाद सदर थानाधिकारी रामनिवास विश्रोही और वृत्ताधिकारी आनंद सिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर बाल औपचारियों की तलाश शुरू कर दी है। आनंद सिंह ने बताया कि संप्रेषण गृह के गार्ड ने सदर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी कि चौहटन रोड अंबेडकर छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर से चार बाल औपचारी रात को फरार हो गए। इन चारों को चोरी, मारपीट व लूट के मामलों में निरुद्ध किया हुआ था। एक बाल औपचारी को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया है। यह बाल औपचारी कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले 10,000 की लूट मामले में पुलिस ने निरुद्ध किया था। फरार होने वाले 3 बाल औपचारी चौहटन थाने में दर्ज बाइक चोरी व मारपीट व एक बाल औपचारी कोतवाली थाने में लूट के मामले में पुलिस ने निरुद्ध कर बाल सुधार संप्रेषण गृह को सुपुर्द किया था, जिसके बाद उनको अंबेडकर छात्रावास स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रखा गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।